और यहाँ पे साक्षी गई है भी अर्जेंट केयर में दिखाने के लिए। ओके, एक और अर्जेंट केयर पे गई है अभी साक्षी। यहाँ पे देखो कहीं भी जाएंगे एक डेढ़ घंटा तो लगेगा ही लगेगा। वो देख लाइट है, ये तो पूरा जैसे अपने वहाँ पे शादियों के पंडाल लगे होते हैं। हेलो, हाँ जी, बढ़िया जी, बताओ। बस सामान ही रख रहे हैं गाड़ी में। एक्साइटेड? हु इज एक्साइटेड? मामा। यू आर नॉट एक्साइटेड? मामा। ये क्या है? आप कितनी मर्जी तैयारी कर लो लेकिन लास्ट मिनट पे ना भागा दौड़ी होनी होती है। मतलब ऐसा नहीं आप करते कि कंफर्टेबली नहीं, कभी आज तक निकल सकते कंफर्टेबली? ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया, वो रह गया, वो रख लिया, वो कि नहीं रख लिया, पासपोर्ट रख लिया कि नहीं रख लिया। 2 मिनट्स ओके। मैं सोच रहा हूँ गेम खेली जाए और गेम ऑडियंस के साथ खेली जाए। इस पूरी वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, पता नहीं आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, बट लेट्स ट्राई एनीवेज। तो गेम खेलते हैं, सिंपल सी गेम है। मुझे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। हाँ नहीं, तो इतनी भी सिंपल नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी तभी तो मजा आएगा गेम खेलने में। आप और हम साथ में गेम खेलेंगे। एंटी फॉगर की तो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है पूरा रास्ता। नेविगेट टू ओकविल ओंटारियो। नहीं आज तो कहां ही पहुंच पाएंगे। इट्स हमारे को रफली ये टोटल जो रास्ता है हमारा। हमारा जो टोटल रास्ता है ये रफली 1200 किलोमीटर पड़ता है। नॉन स्टॉप जाए तो वही 11-12 घंटे का रास्ता है हमारे को। फिर इलेक्ट्रिक चार्जिंग में आप 1.5-2 घंटे और एक्स्ट्रा, वो वैसे भी लगते हैं चार्जिंग या नॉन चार्जिंग। और जो लोग बक्कल नहीं लगाते उनकी बड़ी बेइज्जती होती है चलते ही, जो अपनी बेल्ट नहीं लगाते। उम्मीद है कि आज 4-5 घंटे ड्राइव करेंगे मॉन्स्टर के भरोसे। कॉफी भी वैसे जगा देती है, लेकिन जो ये जगह आती है ना, मुझे पर्सनली हर बंदा अलग होता है, मुझे कॉफी नहीं ऐसे जगा पाती। एग्जाम होते थे ना हॉस्टल में थी जब, तो सारी फ्रेंड्स ना अपना कॉफी बना बना के बीट कर करके लगी हुई है कि आज तो पूरी रात बैठ के पढ़ना है, कॉफी पियेंगे। हाँ हाँ कॉफी पियो। मैं कॉफी पीती थी, उसके 5 मिनट बाद ही आउट। मुझे कोई असर नहीं होता था कॉफी का। इसका होगा ये पी के देख। मुझे इसका भी नहीं होता। रोक रखा भाई किसी को। स्टॉप में अभी 16 मिनट्स बचे हुए हैं, बट एक एक मिनट काटना मुश्किल हो रहा है। एक एक मिनट एक नंबर के लिए मुश्किल हो रहा है यार। इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है, ये भी कोई करना चाहिए कि ऐसी छोटी सी गोली बनाओ कि आपको बफर टाइम मिल जाए। आपने जरा सी गोली खाई, 15 मिनट का आपको बफर टाइम मिल गया। अब 15 मिनट तक और आपको जाने की जरूरत नहीं है, लगे कि अभी भी आप नहीं रुक पा रहे, फिर एक गोली खाओ 15 मिनट का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। ओए 2 मिनट, 2 मिनट। ओके, तो मैं वो कह रहा था गेम खेलते हैं। सो गेम क्या है, देखो हम निकले शार्लेट से और हम लोग जा रहे हैं टोरंटो में। रास्ते में 3 जगह पे चेक पॉइंट आएंगे और हर चेक पॉइंट पे मैं रिकॉर्ड करूंगा कि उस चेक पॉइंट पे कितने माइल्स या किलोमीटर्स हम ट्रेवल कर चुके हैं। हर चेक पॉइंट पे आपको गेस करना है कि हमारे कितने माइल्स या किलोमीटर थे, और एंड में आपको कमेंट में लिखना है चेक पॉइंट ए इतने किलोमीटर, चेक पॉइंट बी इतने किलोमीटर, चेक पॉइंट सी इतने किलोमीटर। और मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा कि ए बी और सी चेक पॉइंट पे कितने किलोमीटर थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। और जिसका सबसे क्लोजेस्ट आंसर होगा, जिसके राइट होंगे सारे, दे विल विन। और उनके साथ हम आपस में करेंगे वीडियो कॉल and you'll get a shout out in the next video. What do you think? भाई एक ऐसा सुख है ना, number one सुख मेरे ख्याल से number one वाला। I don't know आपको गेम पसंद आएगी या नहीं आएगी, it's an experiment. Let's roll with it. Let's see क्या होता है. What do you think? Good game? मैं बता दूंगी, वो hint चाहिए तो किसी को। ओके, मैंने अपना मीटर स्टार्ट किया था बैक होम का, ये मीटर जो है वो 102 माइल्स पे हो गया है। रफली हम लोग 2 घंटे ड्राइव कर चुके हैं और हम लोग इस जगह पे अभी, जिसका नाम है माउंट एरी,
नॉर्थ कैरोलिना, इस सबको याद रखना ठीक है, आपके काम आएगी ये चीजें। बेटा वी आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर, जल्दी आओ। अभी हम लोग रुके थे एक गैस स्टेशन पे, वहां पे बच्चों को पूछा था जाना है तुमको, मैं होके आ गया, तुमको जाना है? नहीं नहीं, नो थैंक यू, नो थैंक यू। ओके, अनदर रीजन आई आल्सो नीड टू गो नाउ, नीड टू गो टू द बाथरूम नाउ, एंड आई ड्रिंक टू बॉटल्स ऑफ वाटर। बेटा जब पापा मम्मा बोलते हैं ना, उनको पता होता है। ओके, व्हेन आई एम सिक आई हैव ब्लैडर प्रॉब्लम। वर्जीनिया में आपका स्वागत है, वेलकम टू वर्जीनिया। वर्जीनिया इज फॉर लवर्स, याद है? ओके, लैम्सबर्ग वर्जीनिया में हम लोग एंटर हो चुके हैं। आंखें नहीं खुल रही, पूरा ये वो हिप्नोटाइजिंग सा होता है ये भी, है ना? बड़ा स्वागत है आपका वेस्ट वर्जीनिया में, वाइल्ड एंड वंडरफुल। लग तो भरा वही रहा है सारा, ये देख लेते हैं रूम मिल जाएगा तो ठीक है ना, तो फिर ये भी अच्छी बात होती है कि होटल भरा हुआ है, खाली होटल में भी रुकने का कोई वो नहीं होता। बड़ी टाइट है यार, बड़ी टाइट है यार। ये भी आपको पता है एक अलग ही नशा है, ये भी एडिक्शन है एक एडवेंचर की, कि आपको पता ही नहीं है कि आपको रात को रुकना कहाँ है, आपको जगह ही नहीं पता कहाँ रुकना, क्यों हमें पता नहीं है हमें यहाँ रुकना है। अभी क्या हुआ, रास्ते पार्किंग में रुक गया, हमें नहीं पता हमें यहाँ कमरा भी मिलेगा कि कमरा भी मिलेगा, क्योंकि हमें दिखा एक शहर आ रहा है, मैंने यहाँ पे देखा होटल कौन सा है, ये दिखा हैम्पटन इन, मैं कहा तो ठीक होता है। टाइम आ चुका है चेक पॉइंट नंबर वन, जिसका जवाब आपको देना है कि कितने माइल है या कितने किलोमीटर है। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको नहीं दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में, आपने कमेंट में लिखना है। आपको हिंट देता हूँ, ये देखो एक मेरे को भी स्कूल दिखा यहाँ पे, इसमें स्कूल का नाम क्या है, हॉलीवुड एलिमेंट्री। यहाँ से तो सारे के सारे स्टार ही बन के निकलते होंगे, है भाई? ओके, देखे भाई कितने माइल हो गए। चेक पॉइंट ए, देखा भाई है होटल यहाँ पे रूम, ये एक्सपीडिया पे तो कह रहे हैं कि दिस होटल रिक्वायर्स यू टू स्टे मोर देन वन नाइट बुक। सही है, सीरियसली इतना शार्प टर्न, एक हाथ से जो चलानी है, दो से भी चलाओ तो भी शार्प ही होगा, वो तो गाड़ी आ रही थी सामने से यार, चल रही है ना कॉफी मशीन, मैं क्या बोला तन्ने निकले अभी तो फिर तो निकली ना कोना। देखो अगर मैं चाहूँ तो चाह भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं कि मैं चाहूँ, और मैं ये चाहूँ अगर कि मैं सो जाऊँ तो बड़ा मजा आ जाए, लेकिन वीडियो एडिट करनी है तो मैं चाह के भी चाहूंगा नहीं कि मैं सो जाऊँ, कॉफी पी और वीडियो एडिट करूँ। मैं आपके पास बैठ जाऊँ। लोग जा रहे हैं कुछ और देखने के लिए कि नीचे कुछ खाने का है कि नहीं है, मैं समक्ष को एक चीज बताने वाला हूँ, मुझे पता है कि अगर मैंने इसको वो चीज बता दी, he would there is a Mr. Beast burger। आजा बेटे किताब छोड़ के खा ले मिस्टर बीस्ट का बर्गर, $10 का एक बर्गर छोटा सा, आजा। चलो 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 चलो, सुबह हो गई मामू। ब्राउन एंड क्रस्ट या ये सब खुल नहीं रही है, तेरी तबीयत ठीक हो नहीं रही, इसको अच्छे से धो। क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ, सुबह सुबह इतने सारे लोग। टाइम इज 7:45, निकलने का टाइम हो गया है इस जगह से, जिसका नाम है, क्या नाम है, बेकले वेस्ट वर्जीनिया। अभी सुबह सुबह ना यहाँ पे काफ़ी फ्रॉस्ट है पूरी, देखो विंडशील्ड जमी पड़ी है सारी, हर गाड़ी के ऊपर ओस, क्या ओस की बर्फ़ जमी पड़ी है पूरी, अपने भी है यहाँ पे, ये देखो। चलते चलते शायद थोड़ी ठीक हो जाए, पर मैंने गाड़ी को ना पहले ही आधा घंटा पहले मैंने गाड़ी को रिमोटली हीट पर लगा दिया, तो गाड़ी अंदर से एकदम टोस्टी गर्म है। हम लोग बादलों के अंदर एंटर कर रहे हैं, फ्लाइट जो है 35,000 फीट पे पहुंचने वाली है, गजब वाली फॉग है भाई यहाँ पे, गजब, कोई कुछ नहीं नजर आ रहा यहाँ तो आगे, वो देख। गाइस देखी बाहर फॉग, देखी
फॉग। वी आर समवेयर इन वेस्ट वर्जीनिया, पूरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ियाँ और फॉल के कलर्स, इतने ब्यूटीफुल कलर्स और बादल, मतलब देख के ना चिल्स आ रही है, चिल्स है ना, इतना ब्यूटीफुल। हाँ हमें कोई जल्दी नहीं है, दिवाली में पहुँचना है, कोई बात नहीं है, कैंपिंग करते हैं यहाँ पे। साक्षी की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है, पहले से मतलब थी लेकिन इतनी नहीं थी, आज तो कुछ ज़्यादा ही थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बेटा हेट या नहीं, पूरा कोर्स एंटीबायोटिक का करना पड़ता है, पूरा कोर्स, नहीं तो इन्फेक्शन वापस आ जाता है। स्टोर पे कॉफी लेने आया था मैं, तो काउंटर पे कोई था नहीं, तो एक लेडी अपना चीज़ें जचा रही थी, मैं कहा आई वांट टू पे फॉर दिस, करिए मेरा मन नहीं है पैसे देने का, फ्री। मैं कहा सीरियसली व्हाई, कितनी हैप्पी डे, मेरे को नहीं लेने पैसे। मैं यार बता इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, कहती है माई हैप्पी डे। पेंसिल्वेनिया में एंटर हो गया, और एंटर होते ही आदेश भी मिल गया हमारे को, परस्यू योर हैप्पीनेस, व्हाट इज योर हैप्पीनेस एंड व्हाट आर यू परस्यूइंग, कमेंट में जरूर बताना। ने चश्मा परमानेंटली पहन लिया आज, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद उसको कंजक्टिवाइटिस टाइप कुछ हो रहा है, मतलब तबीयत तो ठीक नहीं है, साथ में आईज में बहुत इरिटेशन और डिस्चार्ज वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं अगर तो ऐसा लग रहा है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो यहीं रुक जाते हैं फिर। ऐसे कुछ नहीं लग रहा, वही खांसी तो वो नॉर्मल या बुखार, कोई वीकनेस नहीं लग रही, बस वही है कि थोड़ा आँखें इरिटेट कर रही हैं, पता नहीं है भी कि नहीं है। आरामिंग, आर यू आरामिंग? नंबर वन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु शंका। क्या बोलते हैं? लघु। जॉन एल लुइस, प्रेसिडेंट यूनाइटेड माइन वर्कर्स ऑफ अमेरिका, नाइस मीटिंग यू, चलो आओ। हाँ स्माइल, यू आर इन पेंसिल्वेनिया। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, अलग अलग जो पेंसिल्वेनिया के एरिया है ना उनके बारे में, कुछ घूमने की जगह, रेस्टोरेंट, सबके कूपन्स वगैरह ये, एंड अभी ये कम नहीं पड़ी हमें, हमें मोर से भी तो बड़ा बड़ा अंदर। Stop it. Please make sure you have your cell phone, wallet. Do you have everything? No. Let's go. You don't have everything? I don't have this. Then you have to stop here. Hunting करके आया भाई। हिरन, देखा कितना बड़ा रखा हुआ था। Yeah, deer on the back of the car. Like he just went hunting, I think. रस्ते में से भी उठा ले, पता है इसको रोड किल बोलते हैं लोग ना, कई बार रस्ते में हम मरे, बहुत सारे मरे हुए हैं। ओके टाइम फॉर द नेक्स्ट चेक पॉइंट, हम लोग हैं वॉशिंगटन पेंसिल्वेनिया में,
एक तो ये कोई पेट्रोल पंप है, गेट गो, देयर इज सम जायंट ईगल, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, फार्मेसी है, ड्राइव थ्रू फार्मेसी. आपको गेस करना है हमारा माइलेज कितना. लेट्स गो चेक द माइलेज राइट नाउ. द माइलेज माइलेज वो वाला गाना चल रहा है. तो काफी बढ़िया लग रहा है यार, ये तो ग्रोसरी स्टोर में बढ़िया लग रहा है एकदम. सो वी गेटिंग सम फूड फ्रॉम हियर. ओके, साक्षी इज गेटिंग सम सुशी. बढ़िया दिख रही है यार सुशी. दिस इज द सिटी ऑफ पिट्सबर्ग. गाड़ी चार्ज हो रही है, फिर पापा इधर सो गए, और सिर्फ 20 मिनट है, पापा इधर सो गए. Believe it or not, we are in Ripley. न्यूयॉर्क में आपका स्वागत है. Welcome to New York. ये जेल है यहाँ पे, राइट साइड में दिख रही है, फेंस दिख रही है सारा. दिस इज द जेल. ये जो है ये सारा फेंस, ये जेल है. बड़ा बड़ा बोर्ड पे लिखा हुआ था कि जेल के सामने से होके गुजर रहे हो, हिचहाइकर्स तो मत बिठाना गाड़ी में. हाँ हाँ, किसी को गलती से बिठा मत लेना गाड़ी में, जेल है, कोई भाग के निकला हो पता लगे. हमारी गाड़ी में तो नहीं है ना कोई हिचहाइकर. चोर है क्या? हिचहाइकर वो होते हैं जो हमेशा लिफ्ट ले लेके जाते रहते हैं आगे. नहीं नहीं, एक बार जा तो सही, देखें सही क्या है. राइट, हम लोग अभी पहुंचे हैं बफलो में, यूएस कनाडा बॉर्डर में. यूएस की साइड ये, जस्ट हम बॉर्डर के पास ही हैं. और यहाँ पे साक्षी गई है अभी अर्जेंट केयर में दिखाने के लिए, आंखों की हालत बहुत ही बुरी है. वैसे तो अगर हम बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा में जाते तो बिकॉज वी आर स्टिल लीगली रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा, हमारे को कोई मेडिकल एक्सपेंसिस नहीं लगते. बट कुछ ओपन ही नहीं है वहाँ पे, कितनी जगह पे फ़ोन करके भी पूछ लिया और टाइम वाइम भी देख लिया. एक तो ये है कि एक तो वेटरन्स डे है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें. क्या हो गया वहाँ, बाहर क्यों आ गई साक्षी? व्हाट हैपेंड? क्या पागल लोग हैं यार. डोंट हैव अपॉइंटमेंट, डेढ़ से दो घंटे की वेट. फिर क्या, फिर क्या, तो पागल हो गया, डेढ़ से दो घंटे. अब क्या करें यार, मतलब व्हाट इज द वेट टाइम करंटली इफ आई वॉक इन? ओके, टाइम फॉर द लास्ट चेक पॉइंट ऑफ द वीडियो. आपको बताया हम लोग कहाँ पे हैं. लेट्स सी कि कितना है माइल्स. माइल्स फॉर द लास्ट इज, यू सी दैट वी हैव 3 ऑलरेडी फॉर टुनाइट, सो आई एम नॉट श्योर, यू विल हैव टू गो ऑनलाइन. ओके, एंड इफ आई वॉक इन इट्स एन आवर. देख अब कहीं भी जाएंगे एक डेढ़ घंटा तो लगेगा ही लगेगा, हम कहीं भी जाएंगे उससे कम में. चलो वहीं चलते हैं घंटा. ओके, एक और अर्जेंट केयर पे गई है अभी साक्षी. यहाँ पे पहले फ़ोन किया था हमने, तो बोलते हैं कि यहाँ पे 5-10 मिनट में नंबर आ जाएगा. लेट्स सी क्या बोलते हैं, दवाई दे देना ये लोग, क्योंकि क्या है कि दिवाली है, बहुत लोगों से मिलना होगा. अगर ऐसी हालत रही तो ना तो किसी और से मिल पाएंगे, फिर ये भी डर रहता है कि किसी और को आप इन्फेक्शन अपना ना दे दो. क्या रहा, क्या कहता है? वही एक इन्फेक्टिवाइटिस ही है. हाँ, दवाई दे दी है उसने. कह रहा यूजुअली स्टडी सेज दैट व्हेन यू स्टार्ट एंटीबायोटिक उसके 24 आवर्स में यू आर नॉट कंटेजियस एनीमोर. जॉइन मी. ओके, अभी यहाँ पे फार्मेसी पे साक्षी देकर आई है प्रिस्क्रिप्शन. दे आर सेइंग इट विल टेक 30 मिनट्स. आई एम राइट नाउ इज 6:25 ओनली. लग ऐसा रहा है कि बहुत रात हो चुकी है. इट्स ओनली 6:25. गॉट द मेडिसिन. इन्होंने इतनी जल्दी कर दी ना. आई वांट टू गिव देम अ प्रेजेंट. व्हाट प्रेजेंट? आई विल गो एंड गिव देम अ प्रेजेंट ओवर देयर. दे कैन कीप दैट प्रेजेंट फॉरएवर. चलती गाड़ी में ले लेगी? कैसे लेगी यार, चलती गाड़ी में दिक्कत होगी तेरे को. देख ले, आंख की जगह नाक में चली जाए. जो लेफ्ट वाली आंख में बूंद डालनी है वो राइट वाली आंख में चली जाए, जो राइट में डालनी है वो लेफ्ट वाली में चली जाए. देख ले. ओके जी, फाइनल कॉल है जी. जिस जिसको हमारे साथ कनाडा नहीं जाना वो यहीं उतर जाओ.
फिर बाद में मत कहना हम कनाडा ले गए जबरदस्ती. कनाडा एग्जिट कीप राइट. कितनी तेज चला रहा है ऐसे कहाँ भाग रहा भाई यहाँ से. ओनली कनाडा बड़ा बड़ा लिख रखा है इन्होंने हर जगह पे ओनली कनाडा. Now they're right onto Peace. ये बड़ा सा ब्रिज है जो कि नायग्रा रिवर के ऊपर बना हुआ है. इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे यूएस छोड़ के कनाडा में आपका प्रवेश. Why? ये दो लाइन है. I like Dubai. लाइन है अच्छी लंबी. अच्छी खासी है भाई. किधर जाएं? Welcome to Canada. ये तो हमारा मंत्र बन चुका है जब भी हम कनाडा आते हैं. कनाडा में आते हुए जो एजेंट था थोड़ा सा क्या आए हो यहाँ पे कितने दिन के लिए आए हो. मैं भाई हम सिटीजन है कितने दिन के लेगा क्या मतलब है. नहीं वो वैसे पूछ रहा है तुम रहते नॉर्थ कैरोलिना में तो यहाँ कितने दिन के लिए हो. नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था उसने. आज तो भीड़ होगी यहाँ पे दिवाली के चक्कर में. ओपो देख लाइट है ये तो पूरा जैसे अपने वहाँ पे शादियों के पंडाल लगे होते हैं बिल्कुल वैसा बना रखा है इन्होंने. फील्स गुड टू बी बैक. पता क्यों लुक एट दिस. अ गुड फीलिंग. या इट्स अ गुड फीलिंग. क्या है बिना हेल्थ को खराब किए मुंह से धुआं निकाल सकते हो. या एंड आल्सो क्या सजा रखा है यार ये. या एंड आल्सो लाइक द एयर इट जस्ट स्मेल्स नाइस. लाइक राइट नाउ इट डजंट बिकॉज़ अ स्कंक. हमारी मास्क वाली मैडम. सही है चलो भाई. पूरा टोरंटो ठुमकता भी होना चाहिए गाना. ले लेना जो लेनी है यार. केसर ले ले. केसर केसर इज बेस्ट. इलायची एंड केसर आर बेस्ट. मुझे पता नहीं कोई नया आया यार ब्रांड यहाँ पे. देसी मिल्क मलाई भी आई है तो नहीं ट्राई करनी. लुक व्हाट 5 मिनट्स कैन डू. No, you cannot. You cannot taste it. It says no tasting is allowed. You cannot taste it. You can only look at it. Look at the kilometer. 1200 cross हो गए. 1200 kilometers cross हो गए. Okay, final stop of the day. आज साक्षी का हक्का खाने का मन है जी. चलो जी हक्का खाएंगे आज. हैप्पी दिवाली. होम स्वीट होम. साफ पड़ा हुआ है. ओ यार घर तो साफ ही पड़ा यार. जच रहा है भाई. व्हाट्स द स्मेल. क्लीन क्लीन स्मेल है. वेलकम आपका स्वागत है आपका अपने घर में. अपना अपना सा लग रहा है ये वैसे थोड़ा. जब हम कनाडा से इंडिया जाते हैं तो हमारी एक लिस्ट बनी होती है कि ये खाना ये खाना खाना है. इस बार हम यूएस से कनाडा आया ना हमारी एक लिस्ट बनी कि हमने ये खाना है यहाँ का शवारमा खाना है यहाँ का ये नूडल्स छोले भटूरे खाना है यहाँ का छोले भटूरे खाना है तो हमारी लिस्ट रेडी है.